पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ की पोस्ट के नजदीक जासूसी करते हुए पकड़ा गया संदिग्ध युवक जनपद मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र का रहने वाला है और पिछले 6 महीने से पंजाब में ही फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के हालात के बीच पंजाब के फिरोजपुर स्थित बीएसएफ की पोस्ट पर वीडियोग्राफी करते हुए पकड़ा गया संदिग्ध युवक जनपद मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला शाहरुख है। ऐसे माहौल में एक पाकिस्तानी जासूस के पकड़े जाने से मुरादाबाद का नाम आने पर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी जासूस होने की खबर के बाद बिलारी पुलिस मोहल्ला अब्दुल्ला बाड़ा स्थित उसके घर पहुंच गई और जांच में जुट गई। उसके घर में मौजूद आरोपी जासूस के पिता फारूक उर्फ राजू से पूछताछ कर रही है। परिजनों की माने तो उन्हें आज सुबह ही पता चला कि उनके बेटे को पकड़ा गया है। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया शाहरुख पिछले 6 महीने से पंजाब में रहकर कपड़े की फेरी लगाने का काम करता है और उसके साथ 5-6 युवक और भी हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार उक्त युवक से कई सिम कार्ड और कुछ नक्शे भी बरामद हुए हैं। जासूसी के आरोप में पकड़े गए युवक के पिता फारूक के अनुसार उसका बेटा अभी 1 महीने पहले ही पंजाब गया है और वो उनके अकाउंट में पैसा भेजता है। फुर्कान जी, ये बच्चे गिरफ्तार हुआ, क्या है मामला? ये सब बेकसूर है, ये लड़का बहुत अच्छा सज्जन है, सीधा साधा है, बेकसूर गिरफ्तार किया गया। अब घर वालों की परेशानी की वजह से घर वालों ने इसे काम पे भेज दिया। बड़े भाई की टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया था, बाप माँ बाप बीमार रहते हैं, इसलिए इन्हें बाहर काम पे भेज दिया था। 1 महीना हुआ है अभी काम पे गए हुए, बेकसूर है लड़का। मेरा बेटा बहुत बेगुनाह है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, कुछ नहीं जानता वो, तो ऐसी कोई चाल फरेबी की बात ना उसके अंदर। कितनी एज होगी इसकी? वही 17 साल की होगी बस। नहीं है क्या परेशानी? परेशानी, हम बीमार लोग हैं, क्या करें, मजबूर हो गए। कुछ वो भी कहने लगा कि मैं चला जाऊँ, परेशानी कुछ क्या कहेंगे तुम्हें, बहुत ज़्यादा है, अब ये भी ना कुछ कमा पाते। ये तो बहुत ही मरीज है टीवी के, चला भी नहीं आता इनसे, तो मैं बीमार रहूँ इसलिए चला गया। साहब ये तो मुझे भी नहीं पता गिरफ्तार कब करा इसको और क्या है मेरे पास। तो सोचना सुबह बात हुई थी फहीम भाई से मेरी, जिन ठेकेदार के पास काम करता है वो, 6-7 महीने से, अभी उसको 1 महीना 2 दिन गए हुए हुए हैं वहाँ से, 1 महीना 2 दिन गए हुए हुए हैं। कल मेरी परसों बात हुई थी लड़के से, कल मेरी कोई बात हो ना भाई, परसों बात हुई थी सुबह, फिर उनके ठेकेदार से बात हुई मेरी, तो बोले बोलो SSI है यहाँ पर, कुछ लड़के गलत जगह फेरी करने पहुँच गए, गलत जगह फेरी करने पहुँच गए। अच्छा। हाँ, मैं बोले मैं थाने में हूँ, उसके बाद मेरी किसी से कोई बात नहीं हो पाई। क्या नाम आपके लड़के? शाहरुख। आपको किसने क्या सूचना मिली? बस अब मुझे तो यही सुनी है, बाकी अभी जो पुलिस आई थी साहब उनसे सूचना मिली और जो ही वो सारी बात उनको बता दी। कहाँ था? पंजाब में साहब, फहीम भाई के साथ काम करता था। फहीम कहाँ के निवासी? फहीम है साहब ईट के निवासी, हमारे दामाद ही हैं वो, पड़ोस के ही, तो हमारे भी दामाद ही हुए वो। आपके लड़के की एज? लड़के की एज साहब ऐसी है 17 साल के आस पास। पुलिस ने साहब जितना उसने दी हमें तो पूछ ली, पूछताछ करके हमसे सारी बात है चली गई, हमने सारी जो सच्चाई थी सब पुलिस को बता दी सारी सच्चाई। पढ़ाई लिखाई करता था? जब तक पढ़ा हुआ है वो बस। अब साहब 6-7 लोग काम करते हैं वहाँ पर उसके साथ में, कोई सूचना वहाँ से नहीं मिल पा रही, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, वहीं बीवी परेशान हो रही है, हमें बच्चे की हमें अपनी फिक्र लग रही है, हमें नहीं मिल पा रही वहाँ से अपने बच्चे।